श्यावराम चंद्र की जय, बोलिए रति रमन घन श्याम की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर वस्ती की जय हो, नगर वस्ती की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शकों की जय हो, मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गंगा अवंध हो, गंगा अवंध, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल, केम छो कसे काय केरो हाले केना छी, यहाँ सब कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ कि आपके लिए ये समय, ये जो समय है, आप कहेंगे ये कौन सा समय, तो 15 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, आने वाला समय, इसी के विषय में आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। देवी और सज्जनों, आपको जानकारी दे दूं, आप में से बहुत सारे दर्शकगण ऐसे होंगे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, पुराने चाहने वाले होंगे, आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना, आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल आपका 17 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर चुका, 17 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर अब हो चुके हैं, ये प्रभु की असीम कृपा है और आप लोगों का भी समर्थन है, इसलिए मैं आप सभी का आभार अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ मिश्रा फॉर यू दुनिया का ज्योतिष का सबसे बड़ा चैनल हो गया, अभी इससे बड़ा चैनल, इससे ज्यादा विश्वसनीय चैनल दुनिया में दूसरा ज्योतिष का नहीं है, इकलौता ये चैनल है, पहला ये चैनल है जिस पर में लोगों ने इतना भरोसा किया। आज भी आप देखें कि हर लोग, हजारों लाखों लोग हमारे चैनल पर में आते हैं, देखते हैं, हजारों लोग जुड़ते चले जा रहे हैं डेली। ये सिर्फ आप सभी जनता का, आप सभी लोगों का, हमारे ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर आपका विश्वास है और इस विश्वास के लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का आभारी हूं और प्रभु की कृपा हमारा और आपका साथ इसी प्रकार से चलता रहेगा, बनता रहेगा। आइए देवी और सज्जनों, हम लोग चर्चा को आरंभ करें और समझने का प्रयास करें कि मीन राशि वालों के लिए 15 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक की कहानी क्या है। दोस्तों, ये कहानी 15 जनवरी से शुरू नहीं होने जा रही है, ये कहानी तो मैं आपको ऐसा एक पॉइंट बताने वाला हूं जो सुन करके आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, आज तक आपने कभी भी किसी दूसरे चैनल पर में ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा, ऐसी बातें बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सूर्यदेव 15 नहीं 14 यानी कि 14 जनवरी, बड़ा ध्यान से सुनना, मकर राशि में सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं 14 जनवरी यानी कि 14/1/2023 को कितने बजे, तो रात को 9:57 PM में, रात को 8:57 PM में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब आप कह रहे होगे कि ये कौन सी आपने बड़ी बात बता दी, ये बड़ी बात बताई नहीं, यही बड़ी बात है, जो व्यक्ति, जो ज्योतिष, जो एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता दे कि कौन सा ग्रह कितने बज के कितने मिनट में जो है
सो ग्रह का राशि परिवर्तन हो जाएगा, कितने बज के कितने मिनट में कौन सा ग्रह कहां पर में किस राशि में प्रवेश करेगा, अगर ये बता दे तो वो एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताने की क्षमता रखता है कि आपके जीवन में कौन सी घटना कितने बज के कितने मिनट में हो जाएगी, वो बता देगा बशर्ते वो चाह ले तो। ये असाधारण है, लेकिन मिथिला में ऐसा नहीं है। मिथिला या कहूं तो लगभग पूरे उत्तरी क्षेत्र, बिहार, नेपाल, इन सब जगहों पर में 15 जनवरी को सूर्यदेव प्रवेश करेंगे। वो भी ये टाइमिंग उनका नहीं रहेगा, उनके लिए जो है सो टाइमिंग 15 जनवरी को 3 बजे भोर के, यानी कि 3 बजे सुबह के बाद जो है सो वो प्रवेश करेंगे वो। इसीलिए आप ये देखेंगे कि मिथिला क्षेत्र में, क्योंकि मकर संक्रांति जो मनाया जाता है वो जब सूर्य का प्रवेश मकर राशि में होता है तभी जाकर के वो मनाया जाता है। तो आप ये गौर करेंगे बिहारवासी, मिथिलावासी, कि ये लोग 15 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व जो है सो मनाएंगे। लेकिन बिहार मिथिला के अलावा, बिहार मिथिला के अलावा पूरे देश में जो है सो सूर्य देव के लिए इसी बात को वैलिड माना जाएगा कि 8:57 रात में 14 तारीख को ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसीलिए 14 तारीख को ही ये पर्व मकर संक्रांति का, लोरी का, खिचड़ी का मनाया जाएगा। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें और समझने का प्रयास करें कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहने वाला है। सूर्यदेव का कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश, एकादश भाव जो है देवी और सज्जनों वो अमृत है, वो ऐसा अमृत है वो कि उसमें अगर पानी भी मिल जाए तो वो भी अमृत बन जाएगा। ऐसा अमृत है ये कि इसमें अगर कोई दुष्ट भी पी ले तो अमृत से वो अमृत तो प्राप्त कर लेगा। ये अमृत है 11वां भाव, और इस अमृत में, अमृत कलश में सूर्यदेव मीन राशि वालों के लिए प्रवेश करने जा रहे हैं या प्रवेश कर चुके हैं। इसका प्रभाव क्या होगा? तो जैसे ही मीन राशि वालों के लिए सूर्य ने अमृत का पान कर लिया तो मीन राशि वालों के लिए समय बड़ा ही सुंदर, अद्भुत, बहुत बढ़िया हो गया। देवी और सज्जनों, आइए सूर्यदेव के एकादश भाव में बैठने के कारण बड़ा सुंदर विचार महर्षि दे रहे हैं। महर्षि का कहना है कि मीन राशि वालों के लिए ये 30 दिन का समय बड़ा सुंदर रहने वाला है। आप कहेंगे अब सुंदर 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 तो गुरुजी कह रहे हो, लेकिन किस मामले में सुंदर रहने वाला है ये तो आप बता ही नहीं रहे हो। तो अब आप सुनिए, सुंदर आप देखेंगे कि अगर आपकी प्रेमिका है और वहां से आई लव यू का मैसेज आता है तो आपको बहुत खुशी होती है। आपका प्रेमी है, वहां से आई लव यू का मैसेज आता है तो बहुत खुशी होती है। लेकिन जब एक और मैसेज आता है जो बैंक से आता है और कहता है कि आपके खाते में इतना अमाउंट जुड़ गया, तो उससे ज्यादा खुशी वो आपको देता है। तो सूर्यदेव का यहां पर में प्रवेश करना आपको वही खुशी देने जा रहा है। अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, जब ही क्रेडिट का नाम आया आपका मन देखा भाई कितना आया, कहां से आया, कितना पैसा, बड़ा मन एकदम गदगद हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो वही गदगद इस समय में आपका मन होने वाला है। आप देखेंगे कि 13 फरवरी से पहले पहले कई बार ऐसा होगा जब आपके खाते में पैसा आएगा, जब आपके हाथों में आमदनी आएगी, आमदनी बढ़ेगी, पैसा आएगा, धन की प्राप्ति होगी। महर्षि का कहना है कि इस समय में आपके आय में वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, बहुत सुंदर योग। आपको इसी बीच में एक और बात बता दूं कि आप लोग ज्योतिष से संबंधित जुड़ी हुई छोटी छोटी वीडियोज अगर देखना चाहते हैं तो एक यूट्यूब चैनल है, वो भी बड़ा विश्वसनीय है, मेरे बहुत ही अपने करीबी अजीज का है,
वाईटी पुरुषोत्तम के नाम से, वाईटी पुरुषोत्तम के नाम से जो चैनल है वहां पर में भी जाएं, आपको एक से एक, दो से तीन मिनट, चार मिनट का वीडियो इतना सुंदर सुंदर देखने को मिलेगा, आप कहेंगे कि ये कहां छुपा हुआ चैनल था, मन प्रसन्न हो जाएगा। एक से एक टोटका, एक से एक तंत्र मंत्र झाड़ फूक, ज्योतिष से संबंधित जानकारी, बड़ा अद्भुत ज्ञान का वहां पर में भी प्रसार हो रहा है, जो आपको यूट्यूब पर में और दूसरे जगह कहीं नहीं, मेरे भी चैनल पर में नहीं मिलेगा। इतना हाई क्वालिटी का और बहुत कम समय में आपको वहां पर में वाईटी पुरुषोत्तम के यहां जानकारी प्राप्त होगी। देवी और सज्जनों, आइए इसको समझते हैं। तो महर्षि का कहना है कि यहां पर में आपके आय में खूब वृद्धि होगी, आमदनी जो है आपकी सो खूब बढ़ेगी, बढ़िया आमदनी बढ़ने वाला है। अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड का मैसेज बार बार आएगा और आप बार बार खुशी से कहेंगे कि ऐसा समय अगर चलता रहे तो मजा ही आ जाए। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि जो लोग बिजनेस करने वाले हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, बनिया वर्ग के लोग हैं, बिजनेसमैन है, उनके व्यापार में भी ये सूर्य रंग भर देगा, आपके लाभ को बढ़ाएगा, आपकी आमदनी के क्षेत्र में चार चांद लगा देगा, व्यापार में पर्याप्त लाभ का योग बना रहा है यह सूर्य। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में, अच्छा इससे पहले अगर आपके बच्चे हैं जो आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, पुत्रादि का सुख जो आपको प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो देवी और सज्जनों इस समय में आपको पुत्रादि का सुख प्राप्त होगा। आपके बच्चे आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आपके बच्चे आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करेंगे, बड़ा खुशी होगा आपको। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि उत्तम भोजन समय पर प्राप्त होगा, खाना भी जो है सो बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा मिलेगा, वो भी समय पर मिलेगा। देवी और सज्जनों, सब कुछ रहे आपके पास में लेकिन भूख लगी हुई है और अगर मन पसंद भोजन नहीं मिला तो आपको वो पैसा का ढेर जो है सो बेकार महसूस होता है। एक समय में मैं शहर से बहुत दूर था, एक बहुत दूसरे जगह पर मैं था, एक दिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि शाम को भोजन के लिए रोटी नहीं मिला। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, ऐसा बराबर होने लगा, मेरा मन बड़ा, जबकि मेरे अकाउंट में अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बार बार आ रहा था, आप लोगों के द्वारा पैसा डेली जमा हो रहा था, फीस डेली जमा हो रही थी, मैं डेली लोगों की जन्म कुंडली हस्तरेखा देख रहा था, लेकिन अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड से भी ज़्यादा जो खुशी मिलती है वो अगर आपको भूख लगी हुई है और भोजन मिल जाए तो वो उससे ज़्यादा खुशी देती है, लेकिन वो नहीं हो रहा था। उस दिन मुझे लगा कि ये सारा पैसा कमाना, ये सब कुछ, ये हस्ती, ये सब कुछ बेकार है, जब भोजन भी सही से नहीं मिल पा रही है ऐसे जगह पर में रह करके क्या फायदा। देवी और सज्जनों, इसीलिए इस समय में आपको वो सुख प्राप्त होगा, अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड तो होगा ही लेकिन मन पसंद भोजन भी करने को मिलेगा, जैसी इच्छा थी, जैसी चाहत थी, वो खाना भी आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि ऐसा ही नहीं तो और क्या, तो एक से बढ़कर के एक खुशी मिलने वाली है इस समय में, बस सतर्कता बरतनी है, अहंकार को नहीं आने देना है, वाणी पे कंट्रोल रखना है, संयम रखना है, ऐसा ना हो कि अपनी कुछ गलतियों के कारण सारी खुशियों को आप खो दें। बड़ा ध्यान से सुनना, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ हास परिहास का बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त होगा, आपके दोस्त मित्र आपके साथ रहेंगे, आपके साथ हास परिहास होगा, आपके साथ उनकी ऐसी ऐसी बातचीत होगी कि आपका मन वहां से भी खुश हो जाएगा। देवी और सज्जन, महर्षि का कहना है कि हास परिहास मित्रों के साथ होगा और प्रेमी प्रेमिका अथवा आपके जीवन साथी के साथ, क्या प्रेमी प्रेमिका अथवा आपके जीवन साथी के साथ आपको सुख बिताने का,
सुखी समय बिताने का भी अवसर प्राप्त होगा। कितना सुखद संयोग है देवी और सज्जनों। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या। तो ये समय मीन राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में मीन राशि वाले जातक को महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी होगी। आपकी जो इच्छा थी, आप जिसको पूरा करना चाह रहे थे, वो भी इस समय में होगा। महर्षि का कहना है कि धन प्राप्ति, उत्तम भोजन और उसके साथ साथ नवीन पद के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। अर्थात जो व्यक्ति किसी नए पद के लिए लालायित थे, जिनकी इच्छा थी कि काश मुझे ये पद मिल जाता, काश मैं इस पद पर मैं आसीन हो पाता, काश मुझे जो है सो ये जगह मिल गई होती। देवी और सज्जनों, तो आपके लिए जो है ये बड़ा सुखद, नवीन पद मिलने वालों को नवीन पद भी मिलेगा। नवीन अर्थात नया, नई पद। आपको अपने से बड़े बुजुर्ग लोगों का अनुग्रह भी प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा आपका। और आध्यात्मिक एवं मंगल कार्य, क्या आध्यात्मिक एवं मंगल कार्य भी आप करते रहेंगे, एक से बढ़कर के एक कार्य करेंगे आप। महर्षि का कहना है कि आपके सात्विक विचार में, आपके सात्विकता में वृद्धि होगी, आपका सात्विकता जो है सो बढ़ता चला जाएगा। आप एक संत के विचार के समान आपका विचार होता चला जाएगा, आप संत हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि राज्य से कृपा प्राप्ति के योग बनेंगे, राज्य से आपको कृपा मिलेगी, सरकार से आपको कृपा मिलेगी, मालिक के तरफ से आपको कृपा की प्राप्ति होगी, सीनियर्स आपकी मदद करेंगे। देवी और सज्जनों, यह समय पदोन्नति का है, यह समय जो है सो पद के उन्नति का है, यह समय जो है सो आपको प्रमोशन दिलाने का है। इस समय में आपको प्रमोशन भी मिलेगा, अथवा आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपको एक से बढ़कर के एक पद दिलवा सकता है। आपको नीचे लेवल से उठा करके बहुत हाई लेवल तक ले जा सकता है, आपको अच्छे पद पर में आसीन करवाया जा सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में पिता आदि बड़े लोगों से, अर्थात पिता, चाचा, ताऊ, फुफा, पिता के समान जो उनके समतुल्य बड़े लोग हैं, ऐसे लोगों से भी आपको विशेष लाभ का योग बन रहा है। ऐसे लोगों से आपको विशेष फायदा होगा, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, यहाँ से सूर्य की पंचम दृष्टि पड़ेगी, यहाँ से सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। पंचम भाव विद्या और बुद्धि का होता है। इस समय में विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, उचित इस्तेमाल कर पाएंगे। विद्या और बुद्धि की वृद्धि भी होगी इस समय में आपको। आप इस समय में देवी और सज्जनों, विद्वान के तौर पर भी आपको समाज जानेगा, आपके चाहने वालों की संख्या को भी ये बढ़ाएगा। मीन राशि वालों के लिए मैं क्या कहूँ, हर मामले में समय बढ़िया है, लेकिन सूर्य कुंडली के छठे भाव का मालिक है इस कुंडली में, तो जितना भी बढ़िया समय हो जाए, ये छठा भाव का मालिक एकादश भाव में बैठ गया तो दुश्मन आपको परेशान करेगा ही आमदनी के क्षेत्र में, शत्रु परेशान करेंगे ही, कुछ ना कुछ चिंता जो है सो रहेगी ही।
कुछ ना कुछ परेशानी, बाधा, रुकावट काम में आएगी। इसलिए प्रयास करें कि इन सबको कट करते हुए, इग्नोर करते हुए, सुन करके भी अनसुनी करते हुए आगे निकलते चले जाएंगे तो सूर्य आपको इस एक महीने में बहुत लाभ दे देगा। कमाल का समय रहने वाला है देवी और सज्जनों। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए मीन राशि वालों के लिए समय कैसा रहने वाला है 14 जनवरी रात 8:57 से लेकर के 13 फरवरी तक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।